Hare Krishna. Raswa pasampa kondaya prabhasmi shashi suryayo pralavaha sarvavedeshu shabdakhe porusham nirishu. Bhagavad Gita ke 7th adhyay ke 8th shlok mein Bhagwan apne vishay mein 5 baatein batate hain. Usne pehli baat wo kehte hain ki main jal mein swad hoon. I am the taste of water. To un 5 baaton mein se hum keval isi ek baat mein charcha karenge abhi kuch samay ke liye. कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या है. जल में स्वाद, भगवान जब बोलते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ तो उसका अर्थ क्या है. लेकिन इस श्लोक के तात्पर्य में हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्रीमद् एसी भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एन इम्पर्सलिस्ट परसीव द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड बाय टेस्टिंग द वाटर. जो एक इम्पर्सलिस्ट होते हैं वो भगवान की उपस्थिति को कैसे देखते हैं. जब वो पानी को देखते हैं तो पानी को टेस्ट करके वो देखते हैं कि ठीक है, कृष्णा ने बोला है कि ही इज़ द टेस्ट ऑफ वाटर, बस उनका इतना ही रहता है. लेकिन जो पर्सनलिस्ट होते हैं, हाउ डू दे सी, प्रभुपाद बोलते हैं ए पर्सनलिस्ट सी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड नॉट ओनली सिंपली बाय टेस्टिंग द वाटर बट आफ्टर टेस्टिंग द वाटर ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड फॉर सप्लाइंग द एनर्जी ऑफ कृष्णा for supplying the necessity of his life. And not only that, after that he glorifies the Supreme Lord. So this is a huge difference between the perception of impersonalist and the personalist. Personalist people means generally they don't have a feelings in the heart. When they interact with someone, when they speech something to someone, जब वो किसी से कुछ मिलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो ये विचार नहीं करते हैं कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ उसका एक हृदय है, उस हृदय में कुछ इमोशंस हैं, कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ भावनाएं हैं, कुछ सेंटिमेंट्स हैं, इसका वो जो है विचार नहीं करते. लेकिन जो पर्सनलिस्ट होता है वो इसका विचार करता है कि मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूँ, जिससे मैं कुछ बात कर रहा हूँ, उसका एक हृदय है, हृदय बहुत सॉफ्ट है. इन कलयुग में पीपल आर वेरी मच सेंसिटिव. तो पर्सनलिस्ट मीन्स हु इज़ वेरी सेंसिटिव विद अदर्स फीलिंग्स. जो पर्सनलिस्ट होते हैं वो दूसरे की भावना के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं. तो बड़ी थॉटफुली एंड केयरफुली वो अपने मुख से शब्दों को निकालते हैं ताकि सामने वाले के शब्द हृदय को आघात ना पहुँचे, उसको चोट नहीं पहुँचे. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रुथ नहीं बोलते या सच नहीं बोलते. वो सच भी बोलते हैं. अगर कभी आवश्यकता पड़ती है कि अगर थोड़ा सा सच कड़वा है तो सच बोला जाता है. बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हाउ डिवोटी परसीव when he see the water. एक भक्त जो होता है, जब वो पानी को देखता है, पानी को टेस्ट करता है, तो टेस्ट करने के बाद उसके अंदर में तुरंत जो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, कृतज्ञता आती है भगवान के प्रति कि हे भगवान आपने मुझे जल दिया, आपकी ही शक्ति है. गीता में भगवान बोलते हैं भूमि आपा अनल वायु खम्भ मन्ना बुद्धि रे विचा. भगवान अपनी 8 शक्तियों का वर्णन करते हैं, उसमें से एक शक्ति बोलते हैं जल, यानी वाटर. हमने भी सुना जगह जगह हम पानी के टैंकरों में या कहीं बोर्ड पे लिखा होता है, जैसे अब सरकारी योजनाएं होती हैं जब ये प्रचार करते हैं तो लिखते हैं जल ही जीवन है. सही बोलते हैं. कृष्णा सेज आई एम द लाइफ ऑफ लिविंग एंटिटीज. गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं सबका जीवन हूँ, सभी जीवों का जीवन मैं हूँ. और उन जीवों का जीवन किस पर निर्भर है, जल पर. इसलिए जल ही जीवन जो है ये गलत, ये कहना गलत नहीं है. तो भक्त इस बात को सोचता कि भगवान ये आपकी शक्ति है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक, क्या आप मेरे पे इतनी कृपा करें और आपने तो स्वादिष्ट इतना मधुर जल दिया जिससे मेरी प्यास बुझी. और इस तरह वो भगवान का गुणगान करता है, भगवान का बखान करता है. सो ए डिवोटी फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन एनीथिंग वॉट एवर ई सी, वेदर इज अ मटेरियल और स्पिरिचुअल. सो ही फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड फॉर सप्लाइंग हिज नेसेसिटीज. ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड फॉर सप्लाइंग द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड and he glorifies him, he glorifies the Lord. Sacharanamrit diya vishay bhalai go. To bhakti ye sochta hai ki jab jal ko wo dekhta hai to usne bhagwan ka charanamrit hai ye. mere kitna bada bhagya ki mujhe bhagwan ke charanon ka amrit mil raha hai. hamare bhakt hain jo gharon mein puja karte hain ya jo pujari hain mandiron mein puja karte hain to bhagwan ko jal dete hain unko peene ke liye ya bhagwan ka gharon mein jo bhakt hote hain chote vigraha hote hain unko vigrahon ko jal se snan karaya jata hai to wo snan ka jal jo bachta hai wo charanamrit hota hai aur us charanamrit mein itni shakti hoti hai shastra bolte hain yadi kisi ko vishwas hai to uske jeevan ke sare uske sharir ke jitne rog hai sab khatam ho sakte hain agar koi vishwas hai kisi ko is baat par
तब भगवान के चरणामृत में वो शक्ति होती है। इसलिए हमारी संस्था का संस्थापकाचार्य ने एक नियम बना रखा था कि जो भी हमारे मंदिर में विजिटर्स आते हैं, प्रभुपाद जी के मेहमान आते हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायी, प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स आते हैं, उनके शिष्य आते हैं, उन सबको चरणामृत वितरण की सुविधा मंदिर में है। तो एक एक एक, एक भक्त के लिए पानी पहले पानी ही नहीं होता है, वह भगवान का चरणामृत होता है, ये भक्त का परसेप्शन होता है। तो अपने तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एक इम्पर्सनलिस्ट के परसेप्शन में और एक पर्सनलिस्ट के परसेप्शन में। पर्सनलिस्ट मीन्स डिवोटी, डिवोटी मीन्स हु इज़ ए पर्सनलिस्ट, बिकॉज हिज लॉर्ड इज पर्सनलिस्ट। कृष्णा इज द पर्सनल गॉड फॉर एवरी वन, ही इंडिविजुअली सप्लाई द नीड्स ऑफ एवरी वन, ही इंडिविजुअली अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ एवरी वन। तो उसी तरह भगवान के भक्त भी जो होते हैं वही पर्सनलिस्ट होते हैं, जो दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, खासतौर से भगवान की भावना को। तो जब भी जल को वो देखते हैं तो जल के स्वाद के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और भगवान का गुणगान करता है। तो कोई ये कह सकता है व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ वाटर, भाई पानी में क्या स्वाद है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आई है कि मैं पानी पीने की सख्त आवश्यकता हो, मान लिया मई जून का महीना चल रहा है, एकदम बहुत तेज सर पे धूप तेज है एकदम, और हम किसी बहुत गर्म स्थान, मानिए थोड़ी देर के लिए समझे कि रेगिस्तान से निकल रहे हैं, नीचे गर्म रेत, ऊपर तेज तपिश सूरज की, और बीच में गर्म हवाएं, लू चल रही है। ऐसी स्थिति में एक राहगीर हैं हम और भूख से प्यासे हैं, पानी की सख्त आवश्यकता है। देखिए एक बार आदमी भूखे रह लेगा, बिना अन्न के बिना दो तीन दिन तक रह सकता है वो, पानी के बिना नहीं रहा जा सकता। तो जब आदमी इतना परेशान हो, जब सख्त आवश्यकता हो पानी की, और इस टाइम उसको कहा जाए कि एक काम करो, नहीं आप पानी मत पीजिए, आप थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, पेप्सी कोला, या वो विज्ञापन देते हैं यही है राइट चॉइस बेबी आहा, तो उनको वो पिलाया जाए, या फेंटा पिलाया जाए जो आजकल लोग पीते हैं, या उन्हें कोई फ्रेश जूस दिया जाए, या लस्सी दी जाए, या छाछ दिया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ दी जाए कि आप अपनी प्यास उससे बुझाइए। तो उस व्यक्ति की प्यास उससे बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी, उसकी प्यास तो पानी से ही बुझेगी। तो वो प्यास बुझाने की जो शक्ति है वही कृष्णा है, वो प्यास बुझाने की जो तड़फ है, जो ललक है, जो पानी में स्वाद है, वो कृष्णा है। क्योंकि वो पानी से ही एक मनुष्य को शक्ति मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है, जीवन जीने की शक्ति मिलती है। या दूसरा उदाहरण ये भी ले सकते हैं, कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन हम कल खाना खाएं और पानी नहीं पिए, करके देखिए ऐसा कभी, दिन भर खाना खाए उस दिन पानी मत पीजिए, बिल्कुल पानी मत पीजिए, देखिए आपको कितनी कमी महसूस होगी, एकदम शरीर खाना खाने के बाद भी शरीर वीक लगेगा, एक अजीब सा एक अजीब सी घबराहट सी रहेगी, क्योंकि पानी की प्यास पानी से ही बुझेगी, वो किसी और वस्तु से नहीं बुझ सकती। हम चाहे हम कोल्ड ड्रिंक पी लें, पेप्सी कोला पी लें, लस्सी पी लें, छाछ पी लें, जूस पी लें, कुछ भी पी लें, वो प्यास पानी से ही बुझेगी। या कभी कभी हमारे यहाँ क्या होता है कि एकादशी होती है, एकादशी आती है जून के महीने में, जैसे बोलते हैं निर्जला एकादशी, उस दिन भक्त लोग जल ग्रहण नहीं करते हैं, ना अन्न, तो खैर वैसे एकादशी को ग्रहण नहीं करते हैं, उस दिन विशेष रूप से जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, बिल्कुल पानी नहीं पिया जाता। उस दिन भक्तों से पूछिए आप कि पानी की कीमत क्या होती है, क्योंकि पिछली रात से पानी नहीं पिया, अगले 24 घंटे तक पानी नहीं पीना है, जब तक कि पारण होगा तभी पानी पीना, पानी से ही पारण तोड़ना है। उस टाइम वो 24 घंटे जो होते हैं वो गर्मी के महीने में, जून की गर्मी पड़ती, तपिश, या यहाँ वृंदावन में तो एसी कूलर सब फेल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पता चलता है कि पानी का स्वाद क्या है। या हमारे वृंदावन के पास में एक जगह है जिसे बोलते हैं होडल, वहाँ पर एक वैद्य जी हैं जो होडल वैद्य के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं वो, तो वो एक विशेष तरह का ट्रीटमेंट, नाड़ी वैद्य हैं वो, बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी इस नाड़ी की जानने के में, बहुत दक्ष हैं वो, तो उनका ट्रीटमेंट होता है, और इस ट्रीटमेंट में व्यक्ति को पर डे कम से कम 12 से 15 लीटर पानी पीना ही पड़ता है। वो पानी ही उस चिकित्सा का एक विशेष अंग है, एक विशेष अवयव है। अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो वैद्य जो दवाई देते हैं वो कार्य नहीं करेगी, कुछ फल नहीं, कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। तो 15 लीटर पानी जो जिस लोगों, मैंने भी वो ट्रीटमेंट लिया, जिन भक्तों ने ट्रीटमेंट लिया वो जानते हो कि जल किसे कहते हैं। तो वही हमारी जो प्यास है वो केवल जल से ही बुझेगी, और वही स्वाद जो है वो कृष्णा है। एंड नॉट ओनली जल, सी एनीथिंग दैट, और यू कैन से द टेस्ट ऑफ इन एनीथिंग कैन
only be perceived or can only be experienced by its liquidity. कोई भी पदार्थ है यदि उसका स्वाद हमें चखना है, कृष्णा बोलते हैं जल का स्वाद मैं हूँ, तो कोई भी पदार्थ का स्वाद जो है वो तो पानी से ही आता है। मान लीजिए कि जूस है, जूस में स्वाद किस माध्यम से आ रहा है, उसकी लिक्विडिटी से, जो तरलता है उस समय जूस का स्वाद मिल रहा है। कोई फल में स्वाद है तो स्वाद कहाँ से मिल रहा है, उसके रस के माध्यम से हमें स्वाद मिल रहा है। सब्जी हम बनाते हैं, सब्जी में स्वाद कैसे आ रहा है, पानी के माध्यम से आ रहा है। प्रसादम में स्वाद कहाँ से आ रहा है, पानी के माध्यम से आ रहा है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो स्वादान्य तृप्तान हरि भक्त संघान कृतवेव तृप्ति, यहाँ पर भी कृतज्ञता बढ़ाया, कृतवेव तृप्ति। श्री गुरु जो है वो भक्तों को जब देखते हैं कि वो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो उनको देख के उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो चतुर्विधाशी भगवत प्रसाद हो, भगवान को चार तरह के प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। देखिए सरलता हम क्या सोचते हैं, कंप्लीट मील का मतलब क्या है कि दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, चपाती हो, चटनी हो, पापड़ हो, अचार हो और एक मीठा हो, सलाद हो, तो एक कंप्लीट मील है। दिस इज ये एक कंप्लीट मील कहा जाता है एक जनरल सेंस में, लेकिन ये सही नहीं है। वैदिक या आयुर्वेदा की दृष्टि से देखें तो कंप्लीट मील का मतलब है जिसमें चार चीज़ें हों, चर्व यानी उस भोजन के अंदर चबाने वाले पदार्थ हों, दूसरा चोष्य उसके अंदर चूसने वाले पदार्थ हों, चर्व चोष्य लेह यानी चाटने वाले पदार्थ हों जैसे चटनी इत्यादि, चौथा पेय यानी पीने वाले पदार्थ हों। तो जिस भोजन में ये चार तरह के पदार्थ सम्मिलित हैं उसको ही कंप्लीट मील बोला जाता है। और जो हमारे भक्तगण होते हैं वो भगवान को ये चार तरह के पदार्थ अर्पित करते हैं नित्य प्रति, चर्व चोष लेह और पेय, इसको बोलते हैं कंप्लीट मील। चतुर्विधाशी भगवत प्रसाद हो, तो भोजन में जो स्वाद आता है, जो प्रसाद भोग में ये स्वाद जो आता है वो किससे आता है, कृष्णा की वजह से आता है। हम जो प्रसाद खाते हैं भगवान को भोग लगाकर उसमें जो स्वाद आ रहा है वो कृष्णा की वजह से आ रहा है। तो टेस्ट जो है, टेस्ट इन एनी थिंग कैन बी एक्सपीरियंस बाय द लिक्विडिटी और बाय द वाटर, और वो टेस्ट जो है वो टेस्ट ही वाटर है। सो टेस्ट इन एनी लिक्विड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन फॉर्म ऑफ द वाटर। किसी भी चीज़ में जो स्वाद है वो पानी की वजह से, भगवान की किसी चीज़ में भी स्वाद वो भगवान की उपस्थिति की वजह से है जो कि पानी के रूप में है, पानी के अवयव के रूप में है। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ द वाटर, और नॉट ओनली इन वाटर, इन एनी थिंग टेस्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल कृष्ण कथा, कृष्ण कथा में जो टेस्ट है दैट इज कृष्णा ओनली। जब भक्त भगवान का नाम का जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उसमें स्वाद जो आता है दैट इज कृष्णा ओनली। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कृष्णा द टेस्ट इज देयर। हरि कथा स्वान महत सेवया, तो हरि कथा में जो स्वाद आ रहा है वो कृष्णा की वजह से आ रहा है। या हम लोग दो जो द सेटिस्फिकेशन इन द जॉय दैट वी रिलिश, द सेटिस्फिकेशन द जॉय दैट वी फील वेल परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कृष्णा। जब भक्ति की नवदा भक्ति क्रियाएँ करते हैं उसमें जो हमें रस आता है, जो स्वाद आता है, वासुदेव कथा रुचि जो स्वाद आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज देयर। नाम गाने सदा रुचि, या सबसे मंगल आरती में हम गाते हैं गाओ कृष्णा यश राखो वचन मोरा नाम सुधारस, गाओ कृष्णा यश राखो वचन मोरा नाम सुधारस। तो भगवान का नाम जब भक्त लोग करते हैं, शुद्ध भाव से जप करते हैं, अशुद्ध भाव से जप करने का प्रयास करते हैं, उनको टेस्ट मिलता है, एक स्वाद मिलता है, नाम सुधारस, तो स्वाद वो कृष्णा है। गाओ कृष्णा यश, डिवोटी इज बाय नेचर इज ग्रेटफुल। सी एनी डिवोटी हु डजंट हैव अ क्वालिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिकम ए डिवोटी। सो ग्रेटिट्यूड इज अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट of the heart of a devotee, is a fundamental quality of the devotional heart to feel gratitude for the necessity that Lord provides. भगवान हमको गुरु भेजते हैं उसके लिए एक भक्त कृतज्ञ होता है, भगवान वैष्णवों को भेजते हैं जिनकी उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है उसके लिए कृतज्ञ होता है। प्रभुपाद जी ऐसे महाभागवत भेजे, उन्हें हमको पुस्तकें दी हैं, उन पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है उसके लिए भक्त कृतज्ञ होता है। फिर गुरुजन भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगा के भगवान की कृपा से प्रसाद बनता है उसको खाता है तो भक्त कृतज्ञ होता है। तो कृतज्ञता जो होती है वो जो है एक भक्त का फंडामेंटल क्वालिटी होती है, इट इज़ एसेंशियल क्वालिटी
of a devotional heart. So taste, even Prabhupada ji bolte, taste in wine is because of the presence of the Lord. Prabhupada ji bolte hain ki yadi koi vyakti sharab bhi pira hai, wine bhi pita hai agar, aur yadi wo taste karne ke baad jo taste usko milta, jo swad milta, yadi wo bhagwan ke pati apni kritagyata prakat kare ki ye swad wine mein to Krishna ki wajah se aaya hai, balki ye swad hi Krishna hai, to Prabhupada ji bolte hain aisa vyakti sharab pikar bhi apni bhakti ki shuruaat kar sakta hai. He can make progress in devotional life. Iska arth ye nahi kaha ja raha ki sharab peena hai, ye nahi kaha ja raha hai, spirit ko samajhna hai ki शराब में भी जो स्वाद आ रहा है वो भगवान की वजह से आ रहा है, क्योंकि भगवान वहाँ उपस्थित हैं. तो यदि हम भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, भगवान की फॉर्म को अप्रिशिएट करते हैं, तो भक्ति में प्रगति होती है. टेस्ट मीन्स रसा, साधु साधु पदे पदे. एंड रसा कैन ओनली बी गिवन बाय रस विग्रह, इट इज कृष्णा. कृष्णा इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल टेस्ट. तो किसी भी वस्तु में वो टेस्ट आता है, जो स्वाद आता है, वो केवल कृष्णा की वजह से ही आता है. नाम सुधारस, रस इन नाम इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा. टेस्ट इन कृष्ण कथा, नाम गाने सदा रुचि, वासुदेव कथा रुचि. रुचि जो स्वाद है, वो टेस्ट है, इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा. एनी इवन द जब हम लोग भक्ति करते हैं, तो यदि भक्ति में हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, जो स्वाद मिलता है, वो रस मिलता है, वो भी इसलिए मिलता है क्योंकि इस कथा में भगवान पर्सनली उपस्थित हैं. ये भक्त को विश्वास रहना चाहिए. नाम गाने सदा रुचि, वासुदेव कथा रुचि. द वेन द वी परफॉर्म द नाइन अंगास ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम एक्सेट्रा, जो भी हम नवदा भक्ति करते हैं, उसमें स्वाद मिलता, जो रस मिलता है, वही भगवान की प्रेजेंस से मिलता है. परम दृष्टा निवर्तते, भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 2.59 दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान बोलते हैं. तो सो ए डिवोटी, एनीथिंग इट टेस्ट विच इज डिलीशियस, He first response is to express the gratitude for the Lord. Krishna bada dayamay. Jo kuch bhi wo experience karta hai swad ke naam par, jo bhi kuch dekh, jo bhi cheez wo khata hai ya peeta hai, jo se taste milta hai, jo relish karta hai us item ko, jo deliciousness usko milti hai, to uska first response kya hota hai? Krishna bada dayamay kori vare jeev jaye. First se pehle wo bhagwan ke prati kritagyata prakat karta hai ki bhagwan main yogy nahi hu, maine aapke liye kuch bhi nahi kiya. I am a selfish person. I'm simply living a life for my own sense gratification. मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, मेरी तरफ देखे भी. Still you are so merciful. You are so kind. You understand all my needs. Even without saying me, you provides me. How merciful is my Lord? How merciful is my Lord? So that's how a devotee feels. He feels gratitude for the Lord. He understands that I'm not qualified what Krishna is giving me. He feels the gratitude for the Lord and he glorifies the Lord. Krishna bada dayamay. So the point is, one should feel, always feel grateful for the facilities that he got, for the money that he got, for the luxury that he got, even the misery that he got. A devotee is miserable, even in miserable situation, he feels the presence of the Lord, he feels the grateful for the Lord. Tatyanyukampa sushikshmano. जब भक्त को कष्ट भी आता है, तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको जो कष्ट आ रहा है वो उसके प्रारब्ध कर्मों से नहीं आ रहा है, वो कष्ट उसको भगवान की विशेष योजना से आ रहा है. और भगवान ने वो कष्ट उसको क्यों दिया, कि उस माध्यम से भगवान उस भक्त को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपनी तरफ तेज़ी से लाना चाहते हैं. तो उसके प्रति भगवान में एटीट्यूड आ जाता है, वो भगवान का गुणगान करता है, वो सबको बताता, देखिए हम सो कृष्णा सो मर्सीफुल गिव मी दिस डिफिकल्टी सो दैट आई गो क्लोजर टू हिम, सो दैट आई कैन लव हिम, आई कैन एक्सप्रेस माई अफेक्शन टू हिम एंड अफेक्शन फॉर द डिवोटीज ऑल्सो एज वेल, अफेक्शन फॉर द गुरु. तो दैट इज द हार्ट ऑफ ए वैष्णवा, ऑलवेज फील ग्रेटफुल फॉर द वैष्णवास, फॉर द गुरु, फॉर कृष्णा, फॉर एवरी वन. एक भक्त होता है, उसकी लाइफ में यदि किसने थोड़ा सा भी उससे मदद की है, कुछ हेल्प करी है, ही ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्सन. एंड नॉट ओनली रिमेंबर्स, ही ऑलवेज रेडी टू सर्व हिम एज सून एज ही गेट द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज रेडी टू सर्व दैट पर्सन, इज ऑलवेज देयर इन हिज माइंड. उस तारीख को इतने बजे इस भक्त ने मुझे एक गिलास पानी दिया था, भक्त को याद रहता है और वो अवसर में रहता है कब मैं इस भक्त की सेवा करूँ. इसे बोलते हैं कृतज्ञता. दिस इज अ क्वालिटी ऑफ ए gratitude is the quality of a devotee. So when we taste the water, we relish a kind of taste. Taste kya hota hai uski humne charcha kar li. Yadi hum pani piye aur pani mein agar swad nahi hai, what kind of water it is? If you are practicing the Krishna consciousness
and we are not relishing the Krishna consciousness, if you are not getting the taste for the holy name, if you are not getting the taste to serving the Vaishnavas, if you are not getting the taste to hear the glories of Krishna, then what kind of Krishna consciousness it is? Then it is not Krishna consciousness. Krishna consciousness. That means Krishna is not present there. Krishna agar hote hai, to swad aata hi aata. Isliye kabhi kabhi sunne mein aata hai bhakton ke samudaya mein ki Prabhu ji itne saal se jap kar rahe hain, bhakton ki seva kar rahe hain, jo Prabhupada ji ne process bataya usko follow bhi kar rahe hain, lekin koi swad nahi aa raha hai. Kyon nahi aa raha hai? Kyunki Bhagwan ki presence ko mehsoos nahi kiya ja raha hai. Ya us bhakti ki prakriya mein jo process Prabhupada ji ne diya hai, uska अनुसरण करने में, उसका पालन करने में हमसे कहीं कोई त्रुटि हो रही है. तो उस त्रुटि को पहचानना और पहचानने के बाद उसका सुधार करना आवश्यक है, तब स्वाद आता है. सो जस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा, सिमिलरली इफ देर इज नो टेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति और से नवधा भक्ति, दैट मीन कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट. What kind of Krishna consciousness it is? See, consciousness means Krishna consciousness. Just like a ghee. Ghee yane shuddh ghee. Light means sunlight. Milk means cow milk. Similarly, consciousness milk, consciousness means Krishna consciousness. So, jab bhakti ki kriyaen karte hain, बहुत सारी भक्ति की क्रियाएँ होती हैं. भक्ति भगवान के नाम का जाप करना, अर्चक गुरु की उपासना करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भक्तों की सेवाएं करना, भक्तों को भोग बना के प्रसाद खिलाना, भक्तों की पर्सनल सेवाएं करना, बहुत सारी सेवा तरह तरह की अनलिमिटेड सेवाएं प्रभुपाद जी ने हमको दी हैं. और यदि वो सेवा करते समय में स्वाद नहीं आ रहा है, रुचि नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है. इसका मतलब हम कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, कुछ गलती हो रही है, हम केवल क्रियाएँ कर रहे हैं लेकिन कृष्णा हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है, ये समझना चाहिए. दैट मीन्स देर इज़ नो कृष्णा इन द एक्टिविटी ऑफ डूइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. और वाइल रेंडरिंग द और वाइल डूइंग द एक्टिविटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इफ यू आर नॉट फीलिंग द टेस्ट, इफ यू आर नॉट रिलिशिंग द टेस्ट, दैट मीन्स कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट, कृष्णा इज नॉट देयर. अगर होते हैं तो टेस्ट आता ही आता. सो द पॉइंट इज अ डिवोटी वेन एवर ही फाइंड्स टेस्ट इन एनी लिक्विड और इन एनी थिंग, ही जस्ट नॉट अप्रिशिएट द टेस्ट पार्ट, but he glorifies the Lord, he expresses gratitude for the Lord. This is the difference between a devotee and a non-devotee. This is the difference between an impersonalist and a non-personalist. So संक्षेप में वो चर्चा करी, वो चर्चा का सार ये है कि एक भक्त जब भी किसी लिक्विड आइटम को देखता है, पानी को देखता है, किसी भी टेस्ट का जब अनुभव करता है, तो तुरंत वो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है और भगवान का गुणगान करता है. जबकि जो अभक्त होते हैं या जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो पानी तो पी लेते हैं लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं होती है, वो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जब भगवान गीता में बोलते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, तो उस टेस्ट ऑफ वाटर से तात्पर्य क्या है. तो ये तो हमारी संक्षेप में चर्चा इस श्लोक की. बस हम 5 मिनट और लेके फिर इस चर्चा का अंत करें क्योंकि दूसरी सेवा है. अब हमने इसकी चर्चा तो कर ली. कृष्णा बोलते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर. हमने टेस्ट को भी समझा, पानी को भी समझा, जल के स्वाद को भी समझा. अब इस प्रवचन को हम अपने आचरण में कैसे उतारें, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. अगर सत्संग का सफल तभी माना जाता है जब हमने सत्संग किया, प्रवचन सुना, उसको हमने आचरण में उतारा, एटलीस्ट उतारने का प्रयास किया, तो वो सत्संग सफल है, तो वो प्रवचन सुनना सफल है. वो प्रवचन सुनने के बाद हम ठीक वैसे ही लग गए, जो हम कर रहे थे वही कर रहे हैं, हमारे सोचने का तरीका वैसे का वैसे ही वैसा है, हमारी थॉटफुल प्रोसेस वैसे का वैसे वैसा है, हमारे परसेप्शन में, हमारे कंसेप्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यही माना जाएगा कि सत्संग सुना नहीं है इसने, इसने प्रवचन ठीक से सुना नहीं है, इसने शास्त्र पढ़ जरूर लिए लेकिन शास्त्र आचरण में उतारा नहीं है. चूँकि शास्त्र आचरण में नहीं उतरा है तो यही माना जाएगा कि इसने शास्त्र पढ़ा नहीं है. तो हम इस पॉइंट को कैसे उतारें? तो इसमें कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं. जैसे कि देखिए, हमें सोच जब हम क्रियाएं करते हैं भक्ति की, हम नाम जप कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं या हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो उस समय हम भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, हम भगवान की फॉर्म को फील कर सकते हैं, भगवान को महसूस कर सकते हैं. लेकिन जब ऐसा बहुत सारी क्रियाएँ होती जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कभी केवल लेटे हुए हैं या हम मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं या हम डॉक्टर से मिलने गए वहाँ वेट कर रहे हैं,
रास्ते में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ऐसे कई बहुत सारी क्रिया हमारे 24 घंटे में ऐसा कई तरह के क्षण आते हैं, पल आते हैं, कभी कभी घंटे भी होते हैं जब हम डायरेक्ट कृष्णा की सर्विस नहीं कर रहे होते हैं। उस टाइम हम कैसे भगवान का स्मरण करें, उस टाइम कैसे भगवान का चिंतन करें, उस टाइम कैसे सोचें, ये एक एप्लीकेशन है। वी शुड बी सो थॉटफुल, हाउ कैन आई रिमेंबर कृष्णा इन दिस सिचुएशन। अब मोर स्पेसिफिकली जब हमारी लाइफ में कलामिटीज़ आती हैं, जब डिफ़िकल्टीज आती हैं, जब ट्रिबुलेशंस आते हैं, तकलीफ़ आती है, कष्ट आ रहा है, सब तरफ शरीर भी परेशान कर रहा है, मन भी परेशान कर रहा है, हमारे आसपास के लोग भी हमें परेशान कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, साजिश रची जा रही है, तरह तरह से हमारी टांग खींची जा रही है, बहुत कुछ चल रहा है हमारे अगेंस्ट में, नथिंग इज़ फेवरेबल अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई वॉन्ट, नथिंग इज़ फेवरेबल। उस सिचुएशन में हम भगवान का कितना स्मरण करते हैं, उस सिचुएशन में हम भगवान को कैसे याद करते हैं, कैसे हम भगवान की फॉर्म को याद करते हैं, एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन ये होगा, वो दुख को ही हमें सोचना चाहिए, कृष्णा है ये, इस कृष्णा हिमसेल्फ इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ दिस मिजरी, हाउ फॉर माय बेनिफिट, मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मेरी भगवान पर निर्भरता बढ़े, मैं भगवान का स्मरण कर सकूं। तो ये दुख जो है वो भगवान साक्षात कृष्ण है, वो कष्ट जो आ रहा है, वो तकलीफ आ रही है, वो साक्षात कृष्ण है, ऐसा एप्लीकेशन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जिन लोगों को दोष देते हैं कि इस सहनता, तो मानसिकता यही रहती है, हम पर जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो हम क्या कहते हैं, यह व्यक्ति हमारे दुख का कारण है, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। जो भक्त होता है वो किस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, वो दुख को ही सोचेगा, ये कृष्णा है। जैसे प्रभुपाद जी थे हमारे, जब कलकत्ता में बम गिर रहे थे, द्वितीय विश्व छिड़ गया था, तो प्रभुपाद जी कलकत्ता में कीर्तन करने जा रहे थे, ऊपर बम गिर रहे थे, तो किसी ने बोला प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं, बे बाबू आप बम गिर रहे हैं, आप घर में जाइए, सुरक्षित रहिए। प्रभुपाद जी बोला बम ही कृष्णा है। तो प्रभुपाद जी को वो विजन था कि वो बम में कृष्ण को देख सकते थे, तो हमारा तो विस्तार नहीं है, बट चूंकि प्रभुपाद जी ने हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट नहीं, हमें वो सुविधाएं दी है, वो शक्ति दी है कि हम भी वो विजन डेवलप करें। तो हमारी लाइफ में जब कष्ट आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, तो हमें सोचना चाहिए साक्षात कृष्ण है, इसे पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा इन फॉर्म ऑफ सो कॉल्ड मिजरी, इन फॉर्म ऑफ सो कॉल्ड सफरिंग। तो इस तरह से जो है हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। और तीसरा हमारी रूटीन लाइफ होती है, हम सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, तो सुबह उठने से रात के सोने तक हमें लाइफ में बहुत सारी वस्तुएँ होती हैं हमारे आसपास, उनमें हमें कृष्णा की फॉर्म को देखना चाहिए। कृष्ण एक शक्तिमान है, और शक्तिमान की उपस्थिति को कैसे महसूस किया जाता है, उसकी शक्तियों का पहचान के। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, रुमाल है, कपड़े हम जो पहने हैं, तलक लगाए, माइक है, फर्नीचर है, जो कुछ भी, सब कृष्णा की एनर्जी है। तो उस माध्यम से हम कृष्णा को याद कर सकते हैं, कृष्णा को स्मरण कर सकते हैं, इसलिए। और इस तरह हम 24 घंटे कृष्णमय रह सकते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना कोई कठिन क्रिया नहीं है, बहुत आसान है। प्रभुपाद जी ने एक छोटी पुस्तक लिखी कृष्ण की, और उसमें एक चैप्टर, तीसरा चैप्टर, उसका नाम दिया सर्वत्र कृष्ण दर्शन, सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। 24 घंटे कृष्ण का देख सकते हो, हम दर्शन कर सकते हैं, भाई सोचना तो दूर की बात है, और कोई भी कर सकता है, सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों को देख के। चलो हम वी आर सराउंडेड बाय कृष्णा, हाउ वी कैन फॉरगेट कृष्णा। तो एक छोटा सा पास्ट टाइम बता के मैं यहाँ पर अंत करूँगा इस प्रवचन का। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ, वेस्टर्न और उनके अमेरिकन और वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, तो इंडिया के टूर पे आए हुए थे। टूर पे आने के बाद वे जय का समुद्र किनारे गए, और समुद्र किनारे प्रभुपाद जी बैठ गए, और प्रभुपाद जी ने शिष्यों से बोला कि देखिए आप लोग जाके स्नान कर लीजिए। तो सारे भक्त, गुरु का आदेश था और स्नान करने की इच्छा भी थी, मौसम भी स्नान करने लायक था, तुरंत सारे भक्त खुशी खुशी चले गए। लेकिन उनके एक भक्त वो नहीं गए, वो वहीं बैठे रहे। तो प्रभु जी देखा रही है गए नहीं, तो उन्हें पूछा भाई आप क्यों नहीं गए। बोले प्रभुपाद मेरी एक डिफ़िकल्टी है। बोले क्या डिफ़िकल्टी। बोले प्रभुपाद जी मेरे को अगर मैं स्नान करने समुद्र में जाऊंगा तो मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी। कैसे होगी, प्रभुपाद जी ने पूछा। तो बताया कि देखिए मौसम बड़ा अनुकूल है, मैं जब पानी में जाऊंगा, पानी भी थोड़ा गर्म है और ऊपर पानी ठंडा, ऊपर से सूरज की गर्मी है, तो वो मेरी इंद्रियों को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, तो मैं कृष्ण को भूल सकता हूँ। तब प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि द लाइट इज कमिंग इज फ्रॉम कृष्णा, द वाटर फ्रॉम द सी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा इज ऑल अराउंड यू, यू आर सराउंडेड बाय कृष्णा, हाउ कैन यू फॉरगेट कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सूरज में जो लाइट आ रही है वो कृष्णा से आ रही है, समुद्र में ठंडक आ रही है वो कृष्णा से आ रही है, रेत है समुद्र की वो कृष्णा से आ रही है, तो कृष्णा हमारे चारों ओर हैं, हम कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं।
कहने का भाव ये है कि हम में से कोई भी व्यक्ति सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन कर सकता है और अपने जीवन का आनंदमय स्वाद ले सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।